कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी, YCAA इज बीइंग अपोज्ड बाय लॉट ऑफ पीपल ड्यू टू हिंदू हेटरेड। और ये सच है, बहुत सारे लोग जो ये जो CAA के खिलाफ जा रहे हैं वो सिर्फ हिंदू नफरत के गेस्ट ही जा रहे हैं या उनका कोई और पॉलिटिकल मुद्दा है। आइए मिलकर देखते हैं मेजर साहब की ये वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस करना तो मत ही भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक ऐसा देश जो कि हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, उस देश में हिंदू को वही अधिकार मिलने चाहिए जो औरों को मिलते हैं। ये लड़ाई है असली, सोच के देखिए अपने दिमाग से। किसी मुसलमान के घर पे गए, बोला कि क्या नाम है आपका? उसने बोला साहब मेरा नाम सुलेमान खान है। सुलेमान जरा अपना पासपोर्ट दिखाना। पासपोर्ट उसने दिखाया, उसका पासपोर्ट फाड़ दिया, बोला आज के बाद तुम भारत के सिटीजन नहीं हो। यहाँ पे लोगों को फंड इकट्ठा करने चाहिए, यहाँ पे लोगों को खड़ा रहना चाहिए उनके साथ। बोला कि नहीं, ये हमारे हिंदू भाई बहन है, हमारे सिख भाई बहन है, कोई भी हो वहां पे, यार जैनी है वहां पे, जो भी है आओ यहां पे। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट ने CAA के ऊपर यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर स्टे लगाने से मना कर दिया। लोग कह रहे थे स्टे लगाओ जी, इस पर स्टे लगाओ, ये गलत कानून है। उसने मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सरकार का जो वकील है वो आएगा और पूरी बात समझाएगा और हर एक सवाल का जवाब देगा। 3 हफ्ते का समय दिया है उनको। दोस्तों, 237 पिटिशंस लगी CAA के खिलाफ, 237। मैं फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि बार बार यह रिपीट करने की जरूरत है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप भी रिपीट करिए, आप भी रिपीट करिए, जहां पे आपको जो मिले आप रिपीट करिए और लोगों को एजुकेट करिए, क्योंकि लोगों की आदत है पढ़ते हैं नहीं ज्यादातर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं भारत में पढ़ते नहीं है, कहीं कुछ आ गया कहीं से व्हाट्सएप पे, अरे ये तो ये है। आपको पता है पूरा शाहीन बाग वाला जो मामला था, कितनी देर चला शाहीन बाग वाला मामला, और सिर्फ एक बात पे पूरा शाहीन बाग टिका हुआ था, सिर्फ एक बात पे कि CAA, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, मुस्लिम बहुल एरिया शाहीन बाग, वो इसी पे प्रोटेस्ट कर रहा था कि CAA आते ही हमें निकाल देंगे देश से, हमारी नागरिकता छिन जाएगी। और किसी ने, ये बड़े बड़े जितने भी टीवी एंकर हैं, बड़े बड़े टीवी एंकर भाई साहब जो हिला देते हैं टीवी जब आते हैं, ये बड़े बड़े फिल्मी डायरेक्टर, बड़ी बड़ी फिल्मी हीरो, बड़ी बड़ी फिल्मी हीरोइन नहीं, छोटी छोटी फिल्मी हीरोइन, ठीक है, और मिडिल लेवल के डायरेक्टर, ये बंबई से फ्लाइट पकड़ के आके उन्हीं मुसलमान भाइयों के दिमाग में डर, तुम्हारी नागरिकता गई, तुम्हें देश से निकाल दे, ये सब झूठ बार बार इनके सामने रिपीट करा। जबकि सिंपल सी बात थी, कोई ये बताता भारत के मुसलमानों को कि आपका कोई लेना देना है ही नहीं CAA से, आपका मतलब है नहीं। ये तो यही बात है कि आज की तारीख में हम किसी को बोले कि कोई परेशान है बाहर वाला, हम उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं, ये चीज है इतने की है, हम उसको 50% का, 50% या 50% का हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। आप कैसे डिस्काउंट देंगे? इसका मतलब अगर आप मुझे उसको डिस्काउंट देंगे तो मेरा हक आपके हक का उसके डिस्काउंट से क्या लेना देना भाई? और यही मैं मुस्लिम भाई बहनों से आज कहना चाहता हूं भारत के, आपका क्या लेना देना है CAA से? आप जाइए, आप ओरिजिनल कॉपी पढ़िए, फिर अपनी राय बनाइए। और यहां पर 237 पिटिशंस, ओ भाई साहब, वही कपिल सिब्बल साहब है जी, बड़े वकील हैं यार कपिल सिब्बल साहब, वो भी खड़े हो गए CAA गलत है, CAA गलत है। जितने भी लेफ्ट लिबरल लॉबी सब, कितना हिंदू हेटरेड है यार तुम लोगों में, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतनी नफरत है। कपिल नाम तो हिंदू है यार, सिब्बल भी नाम हिंदू है, खुद के मजहब वालों से इतनी हेटरेड, जबकि आपको पता है कि वो हिंदू, वो सिख, वो ईसाई, वो पारसी, वो जैन, वो बौद्ध, उनका क्या हाल कर रखा है दूसरे देशों में, उनका क्या हाल। जब भारत फिलिस्तीन के लिए एड भेजता है, ये लोग ताली पीटते हैं, और वेल डन यार, बहुत ही बढ़िया काम करा भारत ने, देखो फिलिस्तीन के लिए भेज दिया। भारत वैक्सीन भेजती है दुनिया को पूरे, भारत सबकी मदद करती है, श्रीलंका को 4.5 अरब डॉलर दे दिया भारत ने,
कभी अफ्रीका में ये करा, कभी कहीं पे कुछ करा, हम कवर करते रहते हैं दोस्तों चाणक्य डायलॉग्स में आपके सामने। ये सब खबरें मैं पहले लेकर आया हूं। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि लेकिन जब बेनिफिट अगर हिंदू को पहुंच जाए, अगर फायदा किसी हिंदू का हो तो इनको मौत आ जाती है, फिर प्रॉब्लम यह है। दोस्तों मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, ये जो अभी कुछ हिंदुओं का रवैया हुआ है ना, जो चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों से, ये जो हिंदू थोड़े से अग्रेसिव हुए हैं, ऑफेंसिव पे आए हैं, ये क्यों हुआ है? क्योंकि कई सौ साल से ये स्प्रिंग को दबा के रखा था, अभी स्प्रिंग छूट गई, अब इनको अच्छा नहीं लगता। जब हिंदू अपनी बात रखता है इनको अच्छा थोड़ा ना लगता है, इनको अच्छा नहीं लगता है, इनको बहुत बुरा लगता है जब हिंदू कहता है कि नहीं यार मेरे धर्म से ये भावनाएं जुड़ी हैं, ऐसा मत करो। हिंदू वायलेंस नहीं करता है, हिंदू हाथ में तलवार नहीं उठाता है जब तक आप उसको धकेल के बिल्कुल कोने में ना ले। दोस्तों कई बार लोग ये बात कह चुके हैं और मैं ये बात खुद कई बार कह चुका हूं, हमारा देश सिर्फ इसलिए सेक्युलर नहीं है क्योंकि एक कानून बना दिया गया है, हमारा देश इसलिए सेक्युलर है क्योंकि यहां पे 85% हिंदू रहता है और हिंदू के खून में बराबर। आज भी हिंदू की लड़ाई ये नहीं है कि हिंदू धर्म उस विशेष धर्म से बेहतर है, हिंदू कभी ये नहीं कहता कि तुम जहन्नुम में जाओगे या तुम नरक में जाओगे, सिर्फ मैं स्वर्ग में, हम लोग, ये हमारा कंसेप्ट है ही नहीं, ये हमारा कंसेप्ट है ही नहीं। हम कहते हैं तुम अपनी जगह खुश रहो, हम अपनी जगह खुश रहते हैं। आज भी जो हिंदू की लड़ाई है दोस्तों वो बराबरी की लड़ाई है कि एक ऐसा देश जो कि हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, जिसके रग रग में हिंदू है, जो सनातनी संस्कृति के ऊपर बना गया है, उस देश में हिंदू को वही अधिकार मिलने चाहिए जो औरों को मिलते हैं। यह लड़ाई है असली, सोच के देखिए अपने दिमाग से, थिंक, आपको पता लग जाएगा यह लड़ाई किस चीज की है। हम कहते हैं यार हमारे पास भी हक होने चाहिए, हमारे पास भी अधिकार होने चाहिए, और 85% है हम, फिर भी हमारे पास हक होने चाहिए। यह सच बात है। आज की तारीख में ये लोग कहते हैं सीएए को, एक्चुअली पेटिशन डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, रोक दो सीएए को। क्यों रोक दो भाई, किस चीज के लिए रोक दो? अगर हमारे हिंदू भाई बहनों का फायदा हो रहा है, सिख भाई बहनों का फायदा हो रहा है, दोस्तों अगर इस पूरे सीए की लिस्ट में, मैं आपको आज बताता हूं, मैं आज सबके सामने बोलता हूं कौन कौन से माइनॉरिटी के, मैक्सिमम इसमें नंबर न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीन देशों में से न्यूमेरिकल बात कर लेते हैं, माइनॉरिटीज में सबसे बड़ी कौन सी है वहां पर। सबसे बड़ी माइनॉरिटी हिंदुओं की है, राइट, फिर उसके बाद क्रिश्चियंस की है, फिर उसके बाद सिखों की है, पारसी नामात्र के बराबर होंगे, जैन बौद्ध भी नामात्र के बराबर होंगे, ठीक है जी। आज की तारीख में इस पूरी लिस्ट से, और सब हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस लिस्ट से आप सिर्फ हिंदू हटा दो सीए की लिस्ट से, ये 237 पेटिशन कपिल सिब्बल साहब खुद कोर्ट में जाएंगे नंगे पैर और वापस लेंगे। इनको प्रॉब्लम इस शब्द हिंदू से है, मैं आपको बताता हूं, ये मैंने खूब डिटेल, मैं कोई आपसे यहां पे भावुकों के बात नहीं कर रहा, मैं इमोशनलों के बात नहीं कर रहा, ये फैक्ट है, इसके ऊपर मैंने रिसर्च करी है, मैं किसी को चैलेंज कर सकता हूं। इनको प्रॉब्लम उससे है, इनको प्रॉब्लम उस हिंदू शब्द से है, इनको प्रॉब्लम सनातन से है, इनको ये है कि हिंदू को फायदा। अगर आप ये बोलो कि सरकार एक ऐसा लॉ लाई है, एक ऐसा कानून लाई है जिससे हिंदू को नुकसान हो, भाई साहब ये लोग भगड़े डालेंगे सड़क पर, ये चाहते हैं कि नुकसान हो। ह्यूमन राइट्स वॉच पाकिस्तान का खुद चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तानी सरकार को कह रहा है कि हर साल 1000 हिंदू और सिख लड़कियों को 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल लड़कियों को रेप करा जाता है, कन्वर्ट करा जाता है, और बुढ़े बुढ़े मुसलमानों के साथ इनकी शादी करवा दी जाती है, इनको कलमा पढ़ा दिया जाता है। उस छोटी बच्ची को यह नहीं पता कि कलमा क्या होता है, उसको बोलते हैं बेटा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहती ला इलाहा, कह रहा हाँ ठीक है तुम मुसलमान बन जाओ, उसको पता ही नहीं। और इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है कि एक बार आप मुसलमान बन गए तो वापस आ सकते हैं, नो, वो सजाए मौत है, फिर सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। वो ये झेल रहे हैं वहां पे। किसी का घर चाहिए, किसी हिंदू का, किसी हिंदू का घर है, और अगर किसी की पाकिस्तानी को घर चाहिए, उसको सिर्फ एक बात ये कहनी है, मैंने इसको देखा कुरान शरीफ के फटे हुए पन्ने इसके घर में पड़े हुए थे, इसी ने फाड़े हैं, कुछ नहीं करता वो बंदा,
कुछ नहीं करता, चुपचाप जाता है पाकिस्तानी मौलवी की जेब में 5,000 रुपए डालता है, 10,000 रुपए डालता है और बोलता है मौलवी साहब लाउडस्पीकर आपके पास है मस्जिद का, बोलो। जैसी मौलवी बोलता है सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, 10,000 की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, हिंदू को घर से निकालते हैं, मार मार के उसकी जान ले लेते हैं, उसके घर को फूंक देते हैं और ये आदमी जाके उस घर पे कब्जा कर लेता है और एक अपना नया घर बनाता है। कितनी बार हो चुका है हिंदुओं के मंदिर खत्म कर दिए वहां पे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। पाकिस्तान में बड़ा दर्द है बाबरी मस्जिद को लेकर, बहुत दर्द है बाबरी मस्जिद को लेकर। आपको पता है 400 से ज्यादा हिंदू मंदिर, कराची में एक हिंदू मंदिर है उसके अंदर टॉयलेट बना रखा है, आपको पता भी नहीं होगा, उसके अंदर टॉयलेट बना रखा है इन लोगों ने। तभी तो कहता हूं बम मारो इनके पाकिस्तानियों का, ये लातों के भूत है इनको बम मारो। खैर कमिंग बैक टू सी, ये दोस्तों आप एक बात सोचना कभी, हिंदू का भला हो जाए इतनी मौत क्यों आती है, ये कैसा इकोसिस्टम है यार, ये कैसा सिंडिकेट है, कभी सोचा है आपने? आप देखो, इसीलिए मैं हिंदुओं को कहता हूं कि एकजुट हो जाओ, ये फलाना यहां का रहने वाला है, ये फलाना ये खाना खाता है, ये फलाना ऐसा है, ये फलाना इधर का है, इसकी बोली ये है, इसकी जात ये है, इसका ये, इन्हीं चक्करों के चलते ना, इन्हीं चक्करों के चलते मोहम्मद बिन कासिम आया था भारत में, दोबारा बुलाना चाहते हो उसको, क्या हो गया यार? आज की तारीख में 85% हिंदू पॉपुलेशन एक देश की 100 करोड़ के आसपास की, वो अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकती क्योंकि यहां पे लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे नहीं तुम कैसे मदद कर सकते हो हिंदुओं की। अगर मैंने ये बोल दिया ना, मैं किसी धर्म के खिलाफ यहां पे नहीं बोलता दोस्तों, हाँ मैं पाकिस्तानियों के खिलाफ बोलता हूं, मैं पैलेस्टीनियंस के खिलाफ बोल सकता हूं, लेकिन मैं खास किसी धर्म विशेष के खिलाफ कभी नहीं बोलता। आई नेवर स्पीक अगेंस्ट अ रिलीजन, ये मेरा प्रिंसिपल है, मैं नहीं बोलता। लेकिन क्योंकि मैं हिंदुओं के लिए बोलता हूं तो गौरवारिया कम्युनल है भैया, अगर आप हिंदुओं के लिए बोलते हैं तब आप कम्युनल हैं, आप कम्युनल बन जाएंगे, हिंदुओं के लिए कैसे बोल दिया? मुझे सेक्युलर का सर्टिफिकेट चाहिए ना, तो मैं सबसे पहले देवी देवताओं को उल्टा सीधा बोलूंगा, ठीक है, मैं उल्टा सीधा बोलूंगा देवी देवताओं को अपने, मैं हिंदू धर्म सनातन को उल्टा सीधा बोलूंगा। कल मेरे घर में पहुंचेगा भाई साहब, कल मेरे घर में पहुंचेगा वेलवेट के बॉक्स में सेक्युलर का सर्टिफिकेट, कि गौरवारिया से बड़ा कोई सेक्युलर है नहीं दुनिया में। इस तरीके के इनके धंधे चलते हैं। अब दोस्तों यहां पे अमेरिका को पता नहीं क्यों पेट में खुजली हो रही है। अमेरिका में यूएस सेनेटर हैं, इनका नाम है बेन कार्डिन, ये चेयरमैन ऑफ द सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमिटी हैं। इनको ये लग रहा है कि सीए गलत है और ये कहते हैं कि आई एम डीपली कंसर्न्ड अबाउट इंपैक्ट ऑफ सीए ऑन मुस्लिम्स इन इंडिया, यानी कि सीएए का भारत के मुसलमानों पर क्या फर्क है, क्या असर पड़ेगा राधर, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं। मैं फिर से नाम बताता हूं, बेन कार्डिन है, यूएस के सेनेटर हैं और ये हैं चेयरमैन ऑफ द सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी। बेन कार्डिन गधे के बच्चे, इसका भारत या किसी और मुसलमान से क्या लेना देना है? लेकिन दोस्तों बेन कार्डिन के पास ये झूठी जानकारी है। अमेरिका में आपको पता है ना, अमेरिका में यह पोजिशनिंग करना और यह सब करना और ये जितने भी इस टाइप के ब्रोकर्स टाइप के घूमते हैं, अमेरिका में बड़ा कॉमन है यार, ये अमेरिका में बहुत कॉमन है। कोई भी कॉज के लिए आप किसी सेनेटर को पैसा दे सकते हैं, कांग्रेसमैन को पैसा दे सकते हैं, वो आपकी पैरवी करेगा, वो आपकी बात रखेगा इंपॉर्टेंट जगह, इनको पैसा गया है। ये जो बेन है, ये बेन क्यों बोल रहा है यार? ये इसलिए बोल रहा है, ये कह रहा है, देखो मैं एक बात मानता हूं, ये पढ़ा लिखा आदमी है, यूएस का सेनेटर है, फॉरेन रिलेशंस कमेटी का चेयरमैन है ये, तो यानी कि छोटा आदमी नहीं है ये, ये पढ़ा लिखा भी है, इसने दुनिया भी देखी है, 10-15 देश भी घूमा होगा, ये सब जानता है। सीधी बात है यार, सीधी बात है, आप वेबसाइट पे जाओ, डॉक्यूमेंट निकालो, सीए कहता क्या है, 10 मिनट में पढ़ो, अच्छा ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, ओके डन डन, इट्स वेरी क्लियर, साफ साफ लिखा हुआ है उसमें। लेकिन नहीं, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि जब आपको किसी ने ठेका दे दिया हो कि आप आवाज उठाएं, तो फिर तो पैसा बोलता है यार, फिर लॉजिक नहीं बोलता, और अमेरिका से भी पैसा बोल रहा है। अमेरिका में इसके ऊपर और गेम चल रहा है, अमेरिका में ये लोग ये बोल रहे हैं, जैसे कि हिंदू पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी कलेक्टिव है, हिंदू पैक्ट एंड ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन, इन्होंने सपोर्ट करा है सीईओ को और बोला है कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटीज,
इसके ऊपर सीए बना हुआ है। हिंदू पैक्ट ने यूएस की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करा और बोला है कि आप सीए को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई, आपका सीए से क्या लेने देना, आप गलत क्यों बोल रहे हैं सीए के बारे में, एंड इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग फॉर अमेरिकन वैल्यूज एंड राइट ऑफ द प्रोसिक्यूटेड। तो ये सारी जो पॉलिटिक्स है दोस्तों, ये यूएस में चल रही है। इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन हो गई है सीए के बारे में, इतनी ज्यादा डिस इन्फॉर्मेशन हो गई है, इतना प्रोपागेंडा हो गया है कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं यूएस में उनको आप पैसा दो, हर जगह जाके ये बात कर रहे हैं, यार जो सीए है ना उससे भारत के मुसलमान की नागरिकता को बड़ा खतरा है, बस खतरा है, निकाल देंगे, पासपोर्ट लेंगे। किसी मुसलमान के घर पे गए, बोला कि क्या नाम है आपका, उसने बोला साहब मेरा नाम सुलेमान खान है, सुलेमान जरा अपना पासपोर्ट दिखाना, पासपोर्ट उसने दिखाया, उसका पासपोर्ट फाड़ दिया, बोला आज के बाद तुम भारत के सिटीजन नहीं हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक अकाउंट सब हमें दे दो और निकल जाओ, 24 घंटे दे रहे हैं, तुम भाग जाओ। ये कौन सी फिल्म की कहानी सुना रहे हो यार, ये कौन सी स्टोरी है जो सुना रहे हो? आज की तारीख में वो लोग अगर भारत नहीं आएंगे, मैं बात कर रहा हूं हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों की, वो जो उस देश में है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, वो भारत नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? आप उनको मौत के मुंह में क्यों डाल रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो वहां पे जीते जी मर जाएं? एक हिंदू बाप था, उसने लगभग अपने ऊपर केरोसिन छिड़क लिया था, अपने आप आग लगाने वाला था अपने आप को, उसकी जवान बेटी को उठा के ले गए। कभी आपने सुना है पाकिस्तान में, खासतौर से पाकिस्तान की बात करूंगा भाइयों, कभी आपने ये सुना है कि पाकिस्तान में किसी लड़के को कन्वर्ट कर दिया? सुना है आपने कभी? आप निकालिए जरा स्टोरी, इंटरनेट पर जाइए, किसी लड़के को, किसी बुजुर्ग को, 100% ऑफ द कन्वर्जेंस, जो फोर्सिबल कन्वर्जेंस पाकिस्तान में 100% राइट, उसमें सब हिंदू लड़कियां हैं और जवान हिंदू लड़कियां हैं, और 11, 12, 13, 14, 15 साल की, 20, 22, 23 साल को भी नहीं करते वो, 10 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स के बीच में 90% का गेम है, ये खेल चल रहा है, ये गेम चल रहा है वहां पे भाई। और इन लोगों के दिल में इतनी दया नहीं है कि अपनी हिंदू भाई, हिंदू बहन के बच्चे हैं, उनको बोलो कि कोई बात नहीं बेटा, आप आओ इंडिया। यहां पे लोगों को फंड इकट्ठा करने चाहिए, यहां पे लोगों को खड़ा रहना चाहिए, उनके साथ बोला कि नहीं, ये हमारे हिंदू भाई बहन है, हमारे सिख भाई बहन है, कोई भी हो वहां पे यार, जैनी है वहां पे, जो भी है, आओ यहां पे, हिंदुस्तान आपका घर है, हम आपको नहीं, इनके भाई रोहिंग्या हैं, इनके भाई रोहिंग्या हैं भाई, रोहिंग्या के लिए इनका दिल धड़कता है। ये देखो खबर मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर से यह कह दिया है, मैं आपको पहले इंग्लिश में बताता हूं क्या हेडलाइंस यहां पे रखी है। यूनियन गवर्नमेंट इन्फॉर्म सुप्रीम कोर्ट दैट इलीगल रोहिंग्या मुस्लिम माइग्रेंट्स डू नॉट हैव अ फंडामेंटल राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन इंडिया। गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट जुडिशरी कैनॉट इंटरफेयर विद लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी। वेरी गुड अमित शाह जी, आपको 10 सलूट मेरी तरफ से आज सुबह सुबह, बहुत ही तगड़ी बात कह दी। ठीक है, यह कह रहे हैं कि यार जुडिशरी, देखो सुनो मैं एक बात बताऊं, ये जो सरकार है, और मैं जो हमारे जस्टिसेस हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अब सिर्फ हाथ जोड़ के मेरी विनती है, आप लोग बड़े लोग हैं यार, मैं तो छोटा आदमी हूं, मेरी आपसे विनती है, ये जो सरकार है इसकी मेजोरिटी है, इस सरकार ने कानून बनाया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अबव द पार्लियामेंट, ठीक है, वो अलग है, ठीक है, मैं जानता हूं कि जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, वो सारी स्टोरीज मुझे पता है, लेकिन जो सुप्रीम बॉडी है देश में, दैट इज ओनली एंड ओनली द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट की अपनी इज्जत है, देयर इज नो डाउट, इट इज अ हाईली हाईली रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन, नोबडी इज आर्ग्यूइंग विद दैट, बट ये सरकार ने बड़े सटल तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बता दिया है कि जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं चलेगा बॉस, हर जगह, हर जगह आप अपनी राय दें, मतलब कि क्या, फिर जो लोग चुन के आए हैं, लोगों के वोटों से लेकर, जो लोगों की जो उमंगें हैं या जो लोग चाहते हैं इस देश में हो, उनके वोट लेकर आए हैं, वो जनादेश है। आजकल क्यों ये हर जगह मोदी 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 मोदी, ये क्या, ये मैटर क्या है भाई मोदी मोदी का, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? बाइडन आ रहा है, गले लगा रहा है, बाइडन कह रहा है व्हाइट हाउस में आओ, कोई कह रहा है यहां पे आ जाओ, कोई अच्छा क्या डील करनी है बताओ भारत के साथ, आ जाओ मोदी, ये क्या चक्कर है? मैटर सिर्फ एक लाइन का है, उनको पता है कि इस बंदे के पीछे 140 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े, एंड ऑफ स्टोरी, इसके अलावा और कोई स्टोरी नहीं है बॉस। उनको यह पता है कि एक आदमी है जिसके पीछे 1.4 बिलियन इंडियंस आर स्टैंडिंग स्ट्रांग, वो एक इंसान नहीं है मोदी, वो 140 करोड़ इंसान है, और आज उसकी सरकार ने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट में जाके। मैं आपको फिर से पढ़ के बताता हूं एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला है। यह बोला है गवर्नमेंट आर्ग्यूड, सरकार के जो वकील ने यह बहस करी कि जुडिशरी कैनॉट इंटरफियर
जुडिशरी दखलंदाजी नहीं कर सकती, दखल नहीं दे सकती विथ लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द एग्जीक्यूटिव टू क्रिएट अ सेपरेट कैटेगरी फॉर ग्रांटिंग रेफ्यूजी स्टेटस टू दोज हु इलीगली एंटर इंडिया। ये सरकार कह रही है कि भाई आपका ऐसा कोई लेना देना नहीं, हर जगह आप इंटरफेरेंस करो, हर जगह आप बोलो नहीं हमारी राय है। राय पार्लियामेंट की होती है यार, पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। तो दोस्तों यहां पे मैं पूरा मैंने आपको बता दिया अमेरिका में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है और खासतौर से कोर्ट्स में क्या चल रहा है, सरकार कौन से अपने बहस का पहलू सामने रख रही है। अब हम आते हैं सवाल और जवाब पर। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था CAA लॉ और ये पास कर दिया गया बिल हुकूमत की तरफ से, लेकिन ये अब विवाद है, थमने का नाम नहीं ले रहा। उसके पीछे बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं कि जो मुस्लिम हैं वो खाम खा समझ रहे हैं कि ये हमसे हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये किसी से नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, ये तो बल्कि नागरिकता देने की बात है, और देने भी उनको कि जो हिंदू सिख ईसाई या दूसरे मजाहिब के लोग दूसरे ममालिक में वो परेशान हाल हैं और उनके से मजहब की बिना पर अच्छा सलूक नहीं किया गया, उनको उनके हकूक नहीं मिले, तो इसलिए वो भारत आगे बसने के लिए, अगर भारत में भी उनको वो हक नहीं मिलेंगे तो फिर वो बेचारे कहाँ जाएंगे। ये है वो CAA, लेकिन परेशानी उन लोगों को खामखाई बन गई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसे ही नहीं उनकी भी परेशानियां बड़ी, कुछ ना दाल में लोचा जरूर है। क्यों ये इस तरह डर गए इस CAA से वहां के मुसलमान, क्योंकि बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं जो के रोहिंग्यंस हैं जो के बांग्लादेशी हैं वो गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे हुए हैं। हाँ, ऐसे घुसे वो निकाल देना क्या जायज नहीं है, निकाल देना चाहिए। अब देखिए पाकिस्तान ने निकाला है यहाँ पे अफगानियों को, तो किसी पर कानों तक जू नहीं रहेगी भाई, ठीक है जरूरी है उनके लिए निकालना, निकाल दिया गया। लेकिन अगर यही अभी हुआ भी नहीं है तो पहले से ही इतना वबा, इतना 237 पिटीशंस दायर की गई हैं CAA के खिलाफ। क्या बात है जी, सरकारी वकील तो बस इसी चक्कर में ही रहेगा, उनको पिटीशनों के जवाब ही देता रहेगा बेचारा। लेकिन ये है, डट के किया है अमित शाह ने, कोई नहीं इसको रोकेगा, और स्टे भी नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये अच्छी चीज है। लेकिन मेजर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि 80% मेजोरिटी वाला हिंदू कह रहा है कि मुझे वो हक दो जो दूसरों को मिल रहे हैं। कमाल वाली हैरानी वाली, सोचने वाली बात है कि मुझे वो हक चाहिए कि जो दूसरों को मिल रहे हैं। तो ये है महान भारत और महान वहां का रहने वाला सनातनी हिंदू, वो ये सब कुछ अपने देश में फेस कर रहा है। यही कुछ यहाँ पाकिस्तान में हो तो यकीन मानो दूसरे दिन दूसरी माइनॉरिटीज के लोगों को किक करके यहाँ से भगा दिया जाए कि नहीं भाई नहीं, सबसे पहले यहाँ पे मुसलमान हो। यही तो किया, हकीकत में यही किया है। यहाँ पे जो भी अब जो बचा कुचा रह गया बेचारे माइनॉरिटी के, देखिए ये कच्चे के डाकू बयान नहीं दे रहे कि देखिए कि हमने हिंदुओं को इतना ज्यादा तंग किया है कि वो अब यहाँ से भाग गए और अब भारत में बना ले रहे हैं। तो यही सारी चीजें हैं, आप देखिए उनके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, कुछ उनको पूछने वाला नहीं है हमारी, ना वहाँ पे जो है ना पुलिस फोर्स कोई काम कर रही है, ना वहाँ पे सिंध हुकूमत कोई काम कर रही है, ना कोई हमारे ऊपर वाली एजेंसियां हैं, वो धड़ाधड़ जो है ना वो अपनी कानून की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जो जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिनके ऊपर ज्यादती हुई है और जो वहां पे जो है ना महाजर कैंपों में रह रहे हैं, तो उनको जो है ना नागरिकता दे रहे हैं कि भाई उनको भी आम शहरियों की तरह फैसिलिटेट किया जा सके। और किसी भी मुल्क में अगर इन मजहब के लोगों को मजहबी तौर पे आजादी नहीं है तो वो भारत में आगे सिटीजनशिप ले सकते हैं, तो उसके ऊपर भी विवाद किया जा रहा है। और वो ले सकते हैं मतलब वो बहुत सारे तो वहां पे आ चुके हैं। बिल्कुल भाई, जब वो ये एक्ट CAA जब लागू हुआ था ना, तब हमने वीडियो जो की थी उसमें उन्होंने ये बताया था कि भाई जो जो ये उनको CAA में शामिल किया गया है जो 2014 तक आए हैं, 2014 से पहले जो आ गए हैं उनको यानी कि सिटीजनशिप जो है वहां पे दी जा रही है। और वो कौन है, वो बांग्लादेशी है, वो अफगानी है, वो पाकिस्तानी है, ये तीन मुल्कों से जो है वो आए हुए हैं, हिंदू है, जैन है, जितने भी मजहब के वो वहां से यानी कि अपनी जिंदगी बचा के अपनी जान बचा के उनको वो दे रहे हैं, तो उसपे भी यार उनको जो है इतने साल हो गए उनको वहां पे रहते हुए रफी अजीज की जिंदगी गुजारते हुए,
तो क्या उनको हक नहीं है कि वो भी इंसान है यार, उनको भी हक मिलता है कि वो भी आम लोगों की तरह रह सके, उनकी भी शिकायत हो सके। जो दूसरी परेशानी जो प्रॉब्लम है, जब ये हो गई ये तब कर लीजिए विरोध, अभी तो एक अच्छा है अगर कुछ लोगों को उससे रिलीफ मिलता है तो मिल लेने देना चाहिए। और ये इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है और उसपे भी सियासत हो रही है, सियासत दर सियासत, और वजह सिर्फ यही है कि और कोई मुद्दा है नहीं मोदी जी के खिलाफ सियासत करने के लिए, और यही पे सियासी इन चीजों पर ही इलेक्शन सियासत। देखिए मुसलमान तो करें ही करें, लेकिन उसमें जो सियासत फिर ऐसे ही होती है ना कि अपने फायदे के लिए दूसरे को भी साथ मिला लो। बार बार ये बात भी कह रही है ना कि भाई मुस्लिम का इससे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर। हम तो अपने मुस्लिम जो पाकिस्तानी मुस्लिम है उनको समझा समझा के भैंस के आगे बीस बीन बजा बजा के हम थक गए हैं। ऊपर से अगर आप लोग भी इस तरह से करोगे तो आप में और हमारे वाले लोगों में क्या फर्क रह जाता है। तो भाई आप जो है ना इसको पढ़िए, आपके मुल्क के अंदर रहकर आप उसकी कॉपी लीजिए, उसको कायदा पढ़िए, उसको स्टडी कीजिए, उसमें से अगर कोई नुक्ते हैं तो उनको सामने लेकर आइए ताकि हमें भी पता चले कि देखिए जी ये नुक्ता आया है। लेकिन इसलिए कह देना ये देखिए जी कि ये जो हिंदू हिंदू है जो 2014 से पहले यहाँ पे आ चुके हैं उनको ये नागरिकता दी जा रही है, मुसलमानों को क्यों नहीं दी जा रही? तो भाई मुसलमानों के लिए और भी सामान मालिक है, दिमाग में ये चीजें भरी जा रही है कि उनको बसाया जाएगा, तुमको निकाला जाएगा, उनको नौकरी दी जाएगी, तुम्हारी नौकरी फारिग कर दी जाएगी। क्यों? मुस्तकबिल का वोटर बना रहा है बीजेपी, और मेरे ख्याल में बीजेपी को ऐसे अपना वोटर बनाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह वेस्ट बंगाल में सुनते हैं कि ममता बनर्जी ने अपना वोट बैंक बना रखा है। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।